एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है अगेन मीशो जो आप सबका फेवरेट बन चुका है। तो गाइस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। मैं लेकर आई हूँ चिकनकारी हॉल मीशो का बताने वाली हूँ ओवरऑल रिव्यू चिकनकारी कुर्ती में कैसा रहा कैसा नहीं। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल मत कर देना गाइस। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो थोड़ा पीछे साउंड आ रहा है उसे इग्नोर करना। तो वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं दिखाती हूँ अपनी ये ब्लैक चिकनकारी कुर्ती जो कि मुझे बहुत मस्त लगी। इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा था एंड क्वालिटी प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मैं आपको दिखा देती हूँ जॉर्जेट की है। इसकी फोटो मैं सब लगा दूंगी, आप देख सकते हो। इसका नीचे से पूरा एंड हाँ इसके साथ इनर भी मिला मुझे ब्लैक कलर का ही। और गाइस इसका फैब्रिक इतना बेस्ट है, लाइक चुभने वाला फैब्रिक नहीं है बिल्कुल भी। और मैंने इसे पहन के ऑलरेडी मैं वीडियो वगैरह अपनी शूट कर चुकी हूँ। मैं बाद में ये मीशो का हॉल शूट कर रही हूँ। इसका फैब्रिक इतना अच्छा आया है, मतलब बहुत सॉफ्ट। और इसका प्राइस था 400 में, मुझे मिल गया था 402 रुपीज में मुझे मिल गया था। और बट हाँ इसमें थोड़ी सी ये दिक्कत रही, जो इसका पीछे वाला ये फ्लावर है ना, ये थोड़ा टेढ़े साइड जा रहा है, उस साइड ज़्यादा जा रहा है, पता नहीं बीच में क्यों नहीं आया। मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, पहले जब मैंने फिटिंग वगैरह सब कुछ करवा ली उसके बाद मैंने देखा कि यार इस कुर्ती में तो ये प्रॉब्लम होगी। बाकी ओवरऑल इसका फैब्रिक इतना मस्त रहा ना, मतलब पहनने के बाद बहुत हल्का लगता, चुभता नहीं है बिल्कुल भी। फोटो आपको साइड में दिख ही रही होगी कैसा लग रहा है मेरे ऊपर। एंड ब्लैक तो पता होगा सब गर्ल्स का फेवरेट ही होता है, और चिकनकारी में तो खास करके मैं देखती हूँ मार्केट में कितनी डिमांड होती है ब्लैक चिकनकारी कुर्ती की। तो मेरा भी फेवरेट, मेरे को भी ब्लैक लेना ही था, मतलब मेरे को ब्लैक वैसे भी पहनना ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ब्लैक अपना चिकनकारी कुर्ती ले तो ऑर्डर कर दिया। एंड इसका फैब्रिक इतना बेस्ट है तो मेरी साइड से इसका 10 out of 10 में से करती हूँ अप्रूव। आप भी लेना चाहो तो ले सकते हो, फैब्रिक है बहुत बेस्ट। अब नेक्स्ट आ जाता है मेरा ये, मैं दिखा देती हूँ आपको लेवेंडर कलर का, ये भी बहुत प्रीटी है गाइस। सबका मैं वीडियो एंड फोटो लगा दूंगी, आप देख सकते हैं जॉर्जेट में कितना प्यारा है, ये भी बहुत प्रीटी है। ये इसका नेक का वर्क है, यहाँ आ जाता है इसका नीचे का ये वर्क, आपको दिख रहा हो कितना प्यारा है। यहाँ इसका ही वर्क आ जाता है, ये इसकी स्लीव्स पे वर्क आ जाता है। एंड यहाँ पर ये पूरा फूल फ्लावर बना हुआ है एंड बैक साइड ऑल्सो सेम फ्लावर बना हुआ है। इसका बैक साइड का मेरे को सही रहा है, मेरे को मतलब टेढ़ा मेढ़ा नहीं मिला। और इसका फैब्रिक भी बहुत प्यारा है, लेकिन हाँ इसके साथ मुझे इनर नहीं मिला था, मुझे इनर अपना लेना पड़ा। इसका प्राइस भी सेम 400 था, मैं फोटो साइड में लगा दूंगी। एंड इसका फैब्रिक इतना मस्त और इतना प्यारा कलर है, आपको पता ही है कलर ट्रेंड में बहुत ज़्यादा चल रहा है पर्पल, लाइक इसी गर्ल्स टॉप भी कितना वेयर करती है टी शर्ट्स एंड ऑल। तो इसका मैंने चिकनकारी कुर्ती भी ले लिया जो कि बहुत प्रीटी लगता है मुझे पहनने के बाद, बहुत बेस्ट लगता है। एंड गाइस मैं आपको बता रही थी मैं फालतू की लंबी वीडियो नहीं खींचती, 25-30 मिनट की नहीं बनाती, कि मैं बस एक प्रोडक्ट को लेके बोले जा रही हूँ कुछ भी मुझे जो लगता है मैं वही बोलती हूँ। और फालतू बकवास, मतलब मेरे को नहीं लगता कि किसी चीज़ को लेकर इतनी करनी चाहिए, जितनी नीड है उतनी नहीं करो। लाइक कोई कोई ऐसा करता है कि 25-30 मिनट की वीडियो बना के रख देता है सूट के ऊपर, यार दो तीन तुम सूट दिखा रहे हो, 25 मिनट की वीडियो तुम क्या बना रहे हो। तो मैं तो यही बताऊंगी, इसका फैब्रिक बहुत बेस्ट था, बहुत अच्छा है, बिल्कुल चुभता नहीं है। और इसका नेक का वर्क भी बहुत हैवी है, लाइक अगर हम अच्छे से तैयार वगैरह हो ईयर रिंग्स वगैरह पहनकर अच्छे झुमके वुमके तो पार्टी वियर भी सूट है। और आजकल कौन ही हैवी पहन रहा, तो मैं तो बिल्कुल हल्के सूट ही पहनना पसंद करती हूँ, चाहे पार्टी में हो चाहे कहीं भी हो। तो मेरी साइड से ये 10 out of 10 रेटिंग रही है, मेरी साइड से अप्रूव्ड है। अब मैं दिखाती हूँ अपना तीसरा सूट जो कि ये कॉटन चिकनकारी कुर्ती है। ये है कॉटन चिकनकारी, पहले आप देख लो लेवेंडर कलर है। ये इसका नेक पे वर्क है, ये इसका स्लीव्स में कुछ भी वर्क नहीं है, इसकी प्लेन है, सिर्फ नेक पे वर्क है। एंड गाइस यहाँ पर नीचे वर्क है, ये आपको दिख रहा होगा। और ये कॉटन का, मैं सच बताऊँ इसका फैब्रिक
बहुत ही बेकार है ये सूट, बिल्कुल मत लेना। ये मुझे 250 रुपीज़ में पड़ा था। ये अगेन मैंने कलर देख के मंगवा लिया था। मैंने कहा यार, बहुत लोगों ने कहा, रिव्यूज़ में इतने लोगों ने इसको ख़रीदा हुआ है, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना ट्राई करूँ। जब मैंने इसका लिया ना, इसका कपड़ा पहनने के बाद ऐसा लग रहा था कितना चुभ रहा है, लाइक मतलब कम्फर्टेबल बिल्कुल भी नहीं था। तो मैं तो यही बोलूँगी सूट बिल्कुल ना लें, क्योंकि मैंने भी पहले ये देखा था चिकनकारी, यार चिकनकारी को इतना सस्ता मिल रहा तो मैं भी ले लेती हूँ, बट इसका फैब्रिक इतना बेकार है, एकदम लो क्वालिटी लगता है। मतलब लाइक आप पहन के बाहर बिल्कुल नहीं जा सकते, और घर में कुर्ती पहनता ही कौन, और पहनने के बाद इतना चुभ रहा था। जब मैं से वो टेलर के पास लेकर गई ना फिटिंग के लिए, मुझे नहीं पता था कि ये कपड़ा कौन सा है, तो टेलर ने बोला कि ये कपड़ा बहुत बेकार है, आप रिटर्न कर दो ये। तब मैंने देखा तो, और यार गाइस रिटर्न पॉलिसी भी नहीं थी इसमें, मतलब नहीं था ये रिटर्न नहीं हो सकता था, क्योंकि मैंने दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया था कि अगर डिफेक्टिव पीस आएगा तो ही रिटर्न हो पाएगा। तो ये मेरी थोड़ी गलती हो गई थी, बट ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बहुत बेकार फैब्रिक था। तो मैं आपको यही बोलूँगी, आपको साइड में फ़ोटो से की दिख रही होगी वीडियो फ़ोटो कि कैसा है, पहनने के बाद तो थोड़ा बहुत ठीक भी लग रहा, बाकी इतना बकवास था इसका कपड़ा। तो मैं तो बिल्कुल ये बोलूँगी ये कुर्ती बिल्कुल भी ना ले, मेरे को बहुत बेकार लगी। ये था मेरा चिकनकारी का हॉल, आपको वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, एंड गाइस लिंक सबका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना, और ज़्यादा से शेयर कर देना, एंड जिसको खरीदना हो जाके खरीद भी सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।